Good afternoon, everyone, and welcome to our coverage for this 50-over match between Pakistan and New Zealand. I'm Michael Slater, and with me in the commentary today is James Taylor. Hey, Slats. Afternoon, everyone. Absolutely stunning weather, perfect for cricket, not a cloud in the sky, and no threat of rain anytime soon. It may be okay to bat on first. I'd be tempted to bowl first myself, but the captains may see it differently. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बड़े मुकाबले में। दोस्तों वीडियो पे आई गई है तो वीडियो छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि सिर्फ दो ओवर का ये मैच है। ओ बढ़िया पुल शॉट यहाँ पे, पीछे फील्डर मौजूद जरूर, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। पहली गेंद पे 6 रन से दोस्तों, इसीलिए मैं आपको रोक रहा था क्योंकि सिर्फ दो ओवर का मैच है, काफ़ी चक्के चौके लगने वाले हैं और कितना टारगेट चेस होगा, पीछे पाकिस्तान की टीम चेस करेगी ये देखना होगा। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से छोटी गेंद, भरपूर फायदा भाई न्यूजीलैंड जैसे बल्लेबाजों को, आप छोटी गेंद नहीं डाल सकते क्योंकि वो खेलते ही छोटी गेंद को है, ज़्यादातर सटीक बाउंसर्स को खेलते हैं वो, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो पिचेस होती हैं वो बिल्कुल सपाट होती हैं, तेज तरार विकेट्स होती हैं। तो दोनों जड़ दिए हैं डीप स्क्वायर लेग की तरफ छक्के, तो अब दबाव होगा यहाँ पे शाहीन शाह आफरीदी के ऊपर। इस बार सीधा खेले हैं, काफ़ी ऊंचा बना के गेंद दे दी थी बिल्कुल तीन स्टंप्स के बीचों बीच, लेकिन उसको तब्दील किया है 6 रन में। भाई साहब अब इस गेंद को कहाँ पर भेज दिया, 150 मीटर का छक्का यहाँ पे जड़ दिया। अब दबाव देखें शाहीन शाह आफरीदी के ऊपर है, तीन गेंदों पे ऑलरेडी तीन छक्के आ चुके हैं, 18 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। क्या यहाँ पे वापसी कर पाएंगे, यहाँ होगा महंगा ओवर ये साबित। बढ़िया इस बार पुल शॉट खेले हैं बिल्कुल लॉन्ग ऑन की तरफ, 4 रन और जोड़ लीजिए तो भाई साहब आज नहीं रुकने वाली ये गाड़ी, आज हवाई फायर करते हुए यहाँ पे फिन एलन काफी खतरनाक इरादे। 22 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, दबाव होगा क्योंकि दो ओवर का ये मैच है। इस बार सीधा खेलें, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में खेलें, अच्छी गेंद यहाँ पे, चलो कहीं ना कहीं डॉट बॉल तो हुआ। अब आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या बचाने में कामयाब होते हैं तो दोस्तों फिर भी एक अच्छा टारगेट होगा। जी नहीं, पीछे की गेंद भरपूर फायदा, 28 पे ओवर किया है खत्म यहाँ पे न्यूजीलैंड ने। देखते हैं दोस्तों अब हारिस रऊफ को यहाँ पे लाया गया है। हारिस रऊफ ने पूरी सीरीज में काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की है, लेकिन आज किस तरह का प्रदर्शन देंगे दोस्तों, बचाना पड़ेगा यहाँ पे पाकिस्तान की टीम को। बढ़िया शॉट है यहाँ पे, गैप तलाश किया है, छोटी सी दरार थी जिसमें से जड़ दिया है 4। पहले थे फिन एलन, इस बार हैं डेविन कॉनवे। आज भाई पाकिस्तान कुछ अलग ही कुटाई लगते हुए, एक बार फिर से फुल टॉस का प्रयास, होय खूबसूरत फील्डिंग, लेकिन यहाँ पे फील्डिंग के साथ साथ रन आउट भी हुआ, बिल आखिर पार्टनरशिप टूटी, पहला विकेट गवाया यहाँ पे रन आउट की सूरत में न्यूजीलैंड की टीम ने। अब देखते हैं किसको यहाँ पे, विलियमसन को भेजा गया, काफ़ी फिट होने के बाद खेल रहे हैं, तो देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं राइट हैंडेड बल्लेबाज, मिस्टर कूल इनको कहा जाता है, केन विलियमसन। यहाँ पे हारिस रऊफ बढ़िया कंपेयर करते हुए एक बाउंड्री लगने के बाद, अच्छा खलाया को उपयोग, फील्डर मौजूद, पहली गेंद पे सफलता, वापसी भेजा यहाँ पे केन विलियमसन को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हम लाते हैं सिर्फ आपके लिए दो दो ओवर के मैचेस, भाई किसके बाद इतना टाइम होता है कि वो पूरे पूरे मैचेस देखे। अब देखते हैं फिलिप्स को भेजा जाता है या मिकल को भेजा जाता है, थोड़ा सा सोच समझ के फैसला यहाँ पे लिया है तो फिलिप्स को यहाँ पे भेजा गया है, देखते हैं किस प्रकार की ये फैसला साबित होता है। तीन गेंदें यहाँ पे हारिस रऊफ ने काफ़ी डाली हैं, लेकिन क्या ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की है यार, मज़ा आ गया दोस्तों गेंदबाजी देख के। ये बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर एक बार फिर से मौजूद है, क्या रन आउट होंगे, बिल्कुल होंगे, यहाँ पे दूसरा रन आउट इस ओवर में। तो भाई कहीं ना कहीं 28 रन से लगे थे पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद क्या कमबैक हुआ है यार, मात्र तीन गेंदें हुई हैं, 4 रन ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन 4 गेंदों पे 4 रन डेरेन मिचेल आए हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि अब फिलहाल फिलिप्स हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर। ये बढ़िया खेले हैं, ज़रूर बढ़िया खेले, लेकिन टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं, तो आखिरी गेंद अगर यहाँ पर बचाते हैं तो भाई टारगेट दो ओवर में 32 आसानी से पाकिस्तान की टीम चेस कर पाएगी। आखिरी गेंद देखते हैं किस प्रकार की डालते हैं, सटीक यॉर्कर, लेकिन उतना करारा स्ट्रोक,
6 रन के लिए गेंद को भेजा, तो दोस्तों 39 रन का यहाँ पे टारगेट है। क्या पाकिस्तान की टीम चेस कर पाएगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों दूसरी इनिंग में स्वागत है, यहाँ पे साउथी को ओवर थमाया गया, रिजवान है बल्लेबाजी के लिए। छोटी गेंद, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, क्या ये आउट है? एम्पायर से अपील तो जरूर की है, लेकिन शोल्डर से टकराई है गेंद। तो दोस्तों एक फील्डर किया है लॉन्ग ऑन की तरफ से बाहर, और दूसरा एक्स्ट्रा कवर पे, यानी कि बाहर गेंदबाजी हो सकती है, या तो पेट्स पे गेंदबाजी होगी या बाहर होगी। ओ क्या शॉट खेले, वाह 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 भाई वाह, क्लास है। सिर्फ बैकफुट पे गए, पंच किया और दिशा दिखाई 4 रन के लिए। तो साधारण गेंदबाजी कहीं ना कहीं कहा जाएगा, कहीं ना कहीं साधारण गेंदबाजी। शॉर्ट पिच गेंद, भरपूर फायदा, 6 रन। अब देखें फील्डर्स आपने लिए हुए लॉन्ग ऑन और एक्स्ट्रा कवर पे, और गेंदबाजी आप लगातार छोटी कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, महंगे साबित होते हुए यहाँ पे। इस बार सीधा खेल है, निकल चुकी है गेंद 4 रन के लिए। यहाँ की आउटफील्ड काफी सुपर फास्ट है दोस्तों, अगर रिजवान की बैटिंग पसंद आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना। दो गेंदें अभी भी बाकी, प्रेशर होगा साउथी के ऊपर। इस बार कच किया है, वाह भाई वाह, थर्ड मैन की तरफ 4 रन। कहीं ना कहीं गेंद पासी के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है दोस्तों, क्या अजब और गजब के ये शॉट्स खेल रहे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, अब कहां भेजेंगे, थर्ड मैन पे फील्डर ले लिया है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा भाई, फील्डर देखते ही रहेगा। 4 रन के साथ ओवर की हुई समाप्ति। बाबर आजम एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है, लेकिन भाई ये बुल्ट है, ये नट बुल्ट अच्छी तरीके से ढीले करते हैं। आज क्या बचा पाएंगे 17 रन अपनी टीम के लिए, 6 गेंदे 17 रन। ओ स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बाल बाल बचे, यहाँ पे हेलमेट से गेंद टकराई, और बुल्ट यहाँ पे पूछते हुए क्या हुआ भाई, लगी तो नहीं। बाबर आजम कह रहे हैं भाई आइए ओके। अब 5 गेंदे 17 रन, दबाव होगा दोनों टीम्स के ऊपर, क्योंकि 17 रन 5 गेंदों पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर, लेकिन नामुमकिन नहीं। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। भाई अगर ये छक्का पसंद आया, तो भाई अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो भाई भाई का चैनल करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि भाई आपके लिए लाता रहता है ऐसी जबरदस्त वीडियो। 4 गेंदे 11 रन से दबाव होगा अब बोल्ट के ऊपर, क्योंकि बोल्ट हो गया ढीला। लीजिए भाई गेम में धकेल दिया है, फील्डर जरूर मौजूद है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए और तालियां बजाने के लिए कि भाई बाबर आजम क्या गजब का ये शॉट खेला है आपने। 3 गेंदे 7 रन, अब दबाव है बोल्ट के ऊपर, बोल्ट क्या टाइट करेंगे बोल्ट यहाँ पे बाबर आजम के। इस बार सीधा खेले हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल, 2 बाले 7 रन। दोस्तों अगर ये बॉल डॉट होता है, तो अगर छक्का भी लगता है तो उसके बाद सुपर ओवर होगा, लेकिन इतना आसान नहीं, क्योंकि सामने है किंग बाबर। ओ गेंद को भेद रहा हवाई यात्रा में 6 रन के लिए। अब यहाँ पे किस्मत ही बचा सकती है न्यूजीलैंड की टीम को, एक गेंद 1 रन, क्या सुपर ओवर होगा इस सीरीज का ये चौथा मुकाबला। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और एंजॉय कीजिए ऐसी जबरदस्त वीडियोस। ओ बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे खेले हैं जरूर, और इतना खूबसूरत खेले हैं, 4 रन के साथ मैच मुकाबला ये जीत लिया है पाकिस्तान ने।